आज हिंदी के मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन की पुण्यतिथि है। हरिवंश राय बच्चन का नाम सुनते ही याद आती है मधुशाला और एक कवि का मस्त मौला अंदाज। पर मधुशाला के अलावा भी बड़े बच्चन की कई ऐसी रचनाएं हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। अपने सीधे साधारण शब्दों को कविता में पिरोकर साहित्य रसिकों को काव्य रस का ऐसा आनंद दिया कि आज भी मधुशाला के बोल गूंजते हैं, तो काव्य प्रेमी दम साधे उन बोलों को सुनते रह जाते हैं। उनकी रचनाओं में वो कवि बसता है जो कभी हार नहीं मानता। जिंदगी के रंग समेटे हमेशा बुलंदियों पर रहता है और इस बुलंदी का एहसास तब और बढ़ जाता है जब हरिवंश राय बच्चन के बोलों को उनके बेटे अमिताभ की जुबान मिल जाती है। कविता से इतर उनकी आत्मकथा भी पाठकों को रोमांचित कर जाती है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के एक छोटे से गांव बाबूपट्टी में 27 नवंबर 1907 को जन्मे हरिवंश राय को उनके परिवार में प्यार से बच्चन कहा जाता था। आगे चलकर यही उनका उपनाम बन गया। बड़े बच्चन ने बॉलीवुड के गीतों में भी शब्दों की बाजीगरी दिखाई और ये एक अजब इत्तेफाक है कि बेटे अमिताभ पर फिल्माया एक गाना इस जुगलबंदी को और खास बना गया। 95 साल की उम्र में 18 जनवरी 2003 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन अपनी रचनाओं के जरिए लाखों करोड़ों दिलों में आज भी जिंदा है हरिवंश राय बच्चन। सुन खल कल छल छल कल कल छल छल टीम न्यूज़ नेशन।